गाइस जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग का प्लान बना है जुबासानी पार्क घूमने का। हमारे साथ क्रिश है, हमारे कई बहुत पुराने दोस्त हमारे रवि भैया है। तो अभी हम यहाँ का आप लोग को नज़ारा दिखाएंगे कैसा है नहीं है। तो फुल वीडियो आएगा अपने चैनल पे अमन सत्या ब्लॉग्स पे, सब्सक्राइब कर देना गाइस। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सब वहाँ पर बैठे हुए, अरे भैया क्या कर रहे हैं हा? तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर पूरा पार्क को तो सही बनाया है, लेकिन बस यही है कि यहाँ पर बैठने का बहुत दिक्कत तो है। कहा कि उधर वो भैया को देख सकते हैं कि एकदम वाइफ के साथ मतलब घुटर घू कर रहे हैं। जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में आपको कहीं भी पहाड़ नहीं मिलेगा, कहीं भी पहाड़ नहीं मिलेगा, पर वहाँ पे आपको पहाड़ मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग फाउंटेन के साथ आपको मिलेगा। इधर इधर 10 वर्ष से नीचे के लिए ही झूल सकता है गाइस झूला। और जैसे कि चलते और यहाँ पे देख सकते हैं पार्क को तो काफी ब्यूटीफुल बनाया गया है गाइस। देख सकते हैं वहाँ पर मछली की तरह मछली घर बनाया गया, लेकिन उसमें मछली है ही नहीं, पानी भी नहीं है, बैठने का वहाँ व्यवस्था दिया है, चलिए वहाँ बैठते हैं। लेकिन उधर बाबू सोना हो रहा है, ज्यादा जादू टोना हो रहा है। खैर सर मजाक की बात है गाइस, यहाँ पे ये कचरे वाले भैया है देख सकते हैं गाइस। लेकिन लुकते हुए नहीं है लुक में, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ही मछली घर है। चलिए उस मछली को पकड़ा जाए, उस मछली को पकड़ के अभी हम तल के उसको खाना चाहते भाई। वो मछली को तुम लोग खाना चाहते कि नहीं खाना चाहते? बिल्कुल भी ना, बिल्कुल हम भी भाई वेजिटेरियन हो गए हम, क्या कि हमारा दोस्त जब वेजिटेरियन है तो हम तो खा नहीं सकते गाइस। तो चलिए पहाड़ों की चोटी पे ऊपर जाता हुआ। तो गाइस पहले से पार्क को काफी अंदर तक बनाया गया है। हम एक बार बहुत पहले ही आए हुए थे पुराने जुबासानी पार्क में, जो कि 2017 में हम यहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद ये हम तीसरी बार आ रहे हैं इस पार्क में। इधर भी है झूला है, हम नहीं आने चाहिए भाई, तुम्हें तो सबसे पहले रवि भैया आते ही ना। जैसा कि देख सकते हैं गाइस इधर भी स्ट्रीट लाइट्स काफी अच्छी तरीके से है और झूले सब है। आइए टाइम पास करते हैं यार, आइए रवि भैया को सबसे बहुत शर्मा रहे हैं, शर्माना कम कीजिए। क्या होता है शर्म किसी और दिन के लिए रखिएगा। आओ ना आओ ना आओ ना। तो गाइस ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि हम बच्चे हैं। देखो गाइस सब शकल तो मासूम जैसा बच्चा एक है, लेकिन दाढ़ी उड़ी बढ़ गया तो सब बोलता है कि बड़े हो गए। फकीर सिंह बोल रहा है सब, बन गए गरीबों का गरीबों वाला कबीर सिंह बन चुके हैं। राज भैया हमारे बोल रहे हैं, खैर फकीर सिंह से तो कम लग नहीं रहे। फकीर सिंह क्या भाई, फकीर सिंह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पूरा भाई पूरा गरीब बोला है, कबीर सिंह लग रहा है भाई। वो क्या चीज है भाई? तो गाइस हम लोग पहाड़ पे नहीं चढ़े क्योंकि हम लोग का इतिहास में से नाम बहुत कोई का हट जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं चढ़े हैं। बाबू सोना जादू टोना चल रहा है, मुझे भी चाहिए, अकेले अकेले नहीं लेना दूंगा। खैर गाइस समझा की बात है, डिब्बा निब्बी गाइस यहाँ पे डिब्बा निब्बी बहुत चलते हैं, बहुत ज्यादा भाई बहुत ज्यादा। ये भाई को भी अभी तक पट नहीं रही है, छोड़िए पटा नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं ना, पटा नहीं रहे। तो पटाएंगे तो कितना कितना ही कितना कितना हो जाएगा वो सब छोड़ो, क्या बोलेगा यार। जैसा कि देख सकता है अभी फुल तैयारी में चल रहा है, वहाँ पर सेल्फी लेना है। जुबासानी द पार्क ऑफ हैप्पीनेस, हमको तो यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है अभी तक गाइस, अभी तक हैप्पीनेस नहीं मिला है गाइस जिंदगी में। देख सकते हैं गाइस इधर फाउंटेन है, सभी लोग बैठे हुए उधर तपस्या कर रहे हैं। अंकल जी क्या मांग रहे हैं महादेव से, हमसे मांग लीजिए शायद हम दे पाए। बंदा अपना बैग लेके बहुत अभी एथी कर रहा है। देख सकते हैं गाइस फाउंटेन आ रहा है, ये यहाँ पे मजा लेते हैं फाउंटेन का एकदम ही मजे तरीके से। देख सकते हैं पानी पानी है गाइस, पानी हो रहा है, जग चेक कर लो, जग पूरा पानी लगे दोस्तों, इधर पानी उधर पानी सब जगह पानी गाइस। पूरा इधर घूमने के बाद फिर से हमें एक
मिले आदमी को, हम क्या ही बोल सकते हैं। इधर अंकल जी बैठे हुए हैं, 10 वक्त लिए भाई, 10 वक्त फाउंटेन पर कहा गया है गाइस यहाँ पे नहीं बैठने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे कुछ आदर्श नहीं है, हमारे अंकल जी सब बैठे हुए हैं। मन है लेकिन बच्चा नहीं है, देख सकता है यहाँ पे घुमाने वाला भी है गाइस।